और बहुत तकलीफ़ होती है ये बताते में कि जिस गांव के अंदर कभी तबरेज़ खेला कूदा करता था, उसी गांव के अंदर कुछ ऐसे चंद शरपसंद अनासिर थे, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट थे जिन्होंने ना जाने किसके कहने पर तबरेज़ को इतना मारा कि वो दुनिया से चल बसा। आज ये दर दीवारें, ये तबरेज़ का घर, ये उसका आंगन, ये गलियां, ये दोस्त, ये इसके रिश्तेदार, ये पड़ोसी सब याद कर रहे हैं। ये घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। भगवा गुंडे मुर्दाबाद, 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 भगवा गुंडे मुर्दाबाद। बिल्कुल, ये देखिए, ये जो इस तरह से मॉब लिंचिंग बढ़ी है, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगी, मैं यहाँ भी कहना चाह रही हूँ, बार बार लोग सुने या ना सुने, ये कोई हिंदू मुस्लिम दलित की बात नहीं है, ये हमारे संविधान की बात है। हमारा संविधान सबको अधिकार देता है और ये देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसपे हम गर्व करते हैं। ये लोकतंत्र है कि हम खड़े होकर यहाँ आपसे बात कर रहे हैं और हमें बात करने की इजाजत है इस बात की। मेरा कहना है ये प्रहार लोकतंत्र पे और संविधान पे हो रहा है। कानून लोग अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो आप जाके FIR दर्ज कराइए, कोर्ट कानून का चलेगा, कानून उसका वो करेगा और जो भी होगा उसको दंडित करेगा। तो मेरा मानना है कि जिस तरह की ये वारदातें हो रही हैं, वो एक्चुअली अमन पसंद लोग नहीं कर रहे हैं। और हमारा देश, मैं फिर कहूंगी, ये गांधी, ये कबीर, ये रैदास की, ये गौतम की भूमि है, जमीन है। यहाँ का मैक्सिमम आदमी जो है वो अमन पसंद है। मुट्ठी भर लोग जो कानून हाथ में लेते हैं उसके खिलाफ मैं आप लोगों के जरिए कहना चाहती हूँ, सरकार संसद में एक मजबूत कानून बना दे, जैसे कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन के ऊपर एक कानून बना दे जिससे कि लोग इस तरह की, जो भी इस तरह की लिंचिंग कानून हाथ में ले, उनके अंदर डर हो। मैं फिर अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगी कि मैं और आप और हम सब सबसे बड़े लोकतंत्र दुनिया में, सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो तुम सबर का पैमाना मत तोड़ो, वरना वही इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर तुम्हें भी चड्डियों पर हम भगाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हम कानून का लिहाज कर रहे हैं, अदालतों पर भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे खून को पानी की तरह बहाओ। आप याद रखो, जिन अंग्रेजों की तुमने गुलामी की, उन अंग्रेजों को हमने इस देश से भगाया है। हमारी अगर तारीख को देखेंगे, जितना तुम हम पर इतना ज्यादती, इतना जुल्म किए हैं, अगर वो जुल्म, वो ज्यादती तुम पर होती तो तुम्हारा नाम सफ़ेद हस्ती से मिल जाता था। मगर यह जिंदा कौम है, फिर भी कानून का दामन नहीं छोड़ी है, सबर कर रही है, अदालतों की तरफ देख रही है, पार्लियामेंट की तरफ देख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तारीख को दोहराएं और तुम्हें इस मुल्क से, इस देश से भगाए, क्योंकि तुम भगवान के भक्त नहीं, तुम दहशतगर्द हो, तुम देशद्रोही हो, तुम देश के बागी हो, क्योंकि तुम देश के सपूतों का कत्ल कर रहे हो। अब ये वाकियात को आने वाले दिनों में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस डेलीगेशन के जरिए से हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए, और हम डिमांड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को के आरएसएस और संघ परिवार के जितने विंग्स हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसे बैन किया जाए, तभी जाकर ये मॉब लिंचिंग के वाकियात खत्म होंगे। शर्म आना चाहिए ऐसे मिनिस्टर्स को जो मॉब लिंचिंग करने वालों को, तुम गवर्नमेंट में उन्हें नौकरियां देते हैं और उन्हें हिंदुस्तान का झंडा उनके जनाजे पे डालते हैं, तो ऐसी सरकार पर धिक्कारा है, शर्म है। मैं मोदी सरकार से कहता हूं कि इंसान बनो, इंसान बनो। झारखंड में जो कत्ल हुआ तबरेज अंसारी का, इसके जिम्मेदार तुम कहते हो कि झारखंड की सरकार नहीं है, हम कहते हैं कि तुम हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि तुमने यह कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, झारखंड के देश में नहीं आता। तो लिहाजा हमारे इस डेलीगेशन के जरिए से हम बताना चाहते हैं कि हम मुल्क में अमन अमान चाहते हैं, हम मुल्क में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा चाहते हैं, हम मुल्क में गंगा जमुना तहजीब को जिंदा और मजबूत करना चाहते हैं, हम मुल्क में सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म चाहते हैं, हम मुल्क में संविधान के राज को चाहते हैं।
इन तमाम चीजों पर काम करने के लिए हम तैयार हैं और अपनी आखिरी जान की बाजी लगाने के लिए हम तैयार हैं। हमारी जो मांगे हैं कि तबरेज अंसारी के जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि शांति बनाए रखते हुए ये अपना खुद का प्रोग्राम है, हम खुद इस प्रोग्राम को एक सिस्टम से और एक इस तरीके से सीकर की जनता को बता देंगे हम भी एक शांतिपूर्ण प्रोग्राम कर सकते हैं। और हमारी जो बात है उस बात को लेकर जो हमारा विरोध प्रदर्शन है कि धर्म के ऊपर किस तरीके से कुछ एक लोग हमारे धर्म के ऊपर जो आघात पहुंचा रहे हैं उनको कानूनी सजा दी जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए जैसे कि मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है कि जो भी मॉब लिंचिंग में अगर कोई करता है तो उसे 6 साल की या सजाए मौत की सजा दी जाए। इन सभी मांगों को रखते हुए हम शांति से चलेंगे और दरूद शरीफ पढ़ते हुए चलेंगे और हम वापस ईदगाह आकर भाई तबरेज के लिए दुआएं मगफरत करेंगे, तो सभी साथी शांति से चलेंगे। झारखंड के जिला सरायकेला में जहां खड़ा हुआ हूं, यही घर उस तबरेज अंसारी का है। दिल्ली से पूरा तकरीबन 1,500 किलोमीटर की दूरी पर तबरेज अंसारी के जिस घर को मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं तबरेज की पैदाइश हुई। तबरेज यहीं पले बड़े और फिर उसके बाद में काम के लिए दूसरी जगह रांची वगैरह चले गए थे। मेरे साथ तबरेज के कज़िन ब्रदर हैं, आपसे जानना चाहूँगा तबरेज किस तरीके के नेचर के थे? बहुत बढ़िया नेचर के थे। और सब लोगों के साथ किस तरह का स्वभाव अच्छा, होता था? बहुत इखलाक था, इखलाकमंद लड़का था। वाकया पूरा क्या हुआ है ये सर? जिस तरीके से इस मॉब लिंचिंग की वारदात ने पूरी देश को पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, पूरा वाकया क्या हुआ एक बार बताइए। वाकया यही है सर कि वो आ रहा था जमशेदपुर से, वो लोग को घेर के जी वो लोग को घेर के मारा पीटा और जय श्री राम का नारा वगैरह लगाने के लिए। किस जगह की बात थी ये? धतकीडी सर। धतकीडी? धतकीडी में जी। अच्छा, फिर आप लोगों को कब खबर मिली और किस हालत में आपने पाया उसको? तो हम लोग पाया कि उसको तब तक वो जेल चलान कर दिया था, चलान कर चुका था मंडल कारा में। तो जेल भेजने की वजह क्या थी, क्या कह रहे थे? कि गांव वाला बदनाम कर रहे थे कि चोरी करने आया था। अच्छा, गांव वाला ये कह रहा था चोरी करने, तो चोरी के इल्जाम देके ही उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया। बुरी तरीके से मारा पीटा। पूरे मुल्क में लोग आपके साथ खड़े हैं, इसलिए अपने आप को ना तो डरा हुआ महसूस करिए ना तो कमजोर महसूस करिए। मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ, कातिल अपने आप को मजबूत दिखाता है लेकिन मजबूर होकर के प्रधानमंत्री जी को परसों पार्लियामेंट में ये कहना पड़ा कि तबरेज की हत्या पे मुझे बहुत दुख है लेकिन एक लिंचिंग की वजह से झारखंड को बदनाम न किया जाए। हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक लिंचिंग नहीं, पिछले 5 साल में मीडिया के साथियों को भी बता दूं कि ये 19वीं लिंचिंग है। ये 19 लोग अब तक मॉब लिंचिंग का, मोबिलाइज लिंचिंग का शिकार हो चुके हैं। सरकार के लिए नामुमकिन नहीं है, सरकार के लिए कोई भी चीज मुमकिन नहीं होती। सरकार इसमें शामिल है, सरकार मानती है कि जो लोग हैं मारने वाले हैं ये प्लांटेड हैं, उनके इन्हीं की वजह से खौफ दिखा करके ये सरकार आई है। तो सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती है, अगर सरकार चाहे तो एक दिन में मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम को रोका जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि झारखंड को बदनाम नहीं किया जाए, झारखंड में ही सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग हुआ है आज से 1 साल पहले 2 साल पहले राजनगर में, जो पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग था जिसमें 8 आदमी को एक साथ मार दिया गया था। ये सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि झारखंड उन 8 लोगों को जो एक साथ मारा गया था, जो झारखंड का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग वारदात जो इतिहास में दर्ज हुई, उसके बाद तो ये सोचा था कि शायद अब दोबारा लेकिन अब तबरेज की वारदात सामने आ गई और हमारी उम्मीद और हमारी दुआएं यही है कि आगे से ऐसा कोई ना हो सके कि और मॉब लिंचिंग का शिकार ना हो सके। सरकार से एक रिक्वेस्ट है हमारे कि ऐसी जो घटना घट रही है कि प्रशासन की मिली भगत के साथ हो रही है। जब उस लड़का के मौत हुआ, प्रशासन उसको इलाज नहीं करवा के उसको जेल में डाला, ये सबसे बड़ा भूल है।
ये प्रशासन का सबसे बड़ा मिलीभगत है। मेरे काफी दोस्त हैं, नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, पंजाबी हैं, आपस में आप आपस में बहुत ज्यादा प्यार है। हमसे ज्यादा वो लोग ये स्टेटस लगा रहे हैं कि स्टॉप मॉब लिंचिंग, ऐसे गरीबों को, दलितों को, मुसलमान को मारना बंद करो, और प्लीज ये क्या हो गया आप लोगों को, ये मुझे समझ नहीं आता है कि आप एक भीड़ होकर के एक बच्चे को मार देते हैं, जान से मार देते हैं। आप लोगों के अंदर दया होनी चाहिए। अगर मान लो उनको चोरी के इल्जाम में पकड़ते हो या फिर चोरी करते हुए पकड़ाता है, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आप उनको पुलिस के पास लेकर कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, आप ऐसा नहीं है कि आप उसको ऑन द स्पॉट सजा देते हैं, फिर अल्लाह अकबर बोल के गोली मारना और बोल करके जान से मार देने में फर्क क्या होगा? फिर ये हमारा देश का जो गंगा जमुना का तहजीब है वो क्या होगा? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मिल के हैं, आपस में प्यार रखें, ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।